द ग्रेट खली के साथ कोलैब करने के बाद ब्रॉक लेसनर के साथ कोलैब करने का मौका मिला है यार। अपॉर्चुनिटी भाई देख रहे हो कितना बड़ा जा रहा है। यस उसकी भी शॉर्ट आ जाएगी जल्दी। तो गाइस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड मैं हूँ 3DX चेतन एंड स्मैकडाउन, पूरा स्मैकडाउन नहीं बोलूंगा बिकॉज पूरी स्मैकडाउन अच्छी नहीं लगी मेरे को एक्सेप्ट फॉर द ब्लड लाइन स्टोरी, मे बी डोमिनिक मिस्टीरियो एंड अ लिटिल बिट ड्रू मैकइंटायर वाला, उसके अलावा तो क्या ही था। एक तो रोंडा राउजी वाली स्टोरी लाइन इतनी गंदी लग रही है मेरे को, लाइक व्हाट इज द पॉइंट एंड इज देर एनी वन जो कि इसमें इंटरेस्टेड। मेरे को एट दिस पॉइंट मेरे को लगता है रोंडा राउजी के अलावा शैना बेजलर जो है वो भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो भी कह रही यार इतने साल से साथ रही हो रोंडा राउजी के इसीलिए मैं इसका साथ दे रही हूँ। बट एनीवेज उन सब की तरफ बात ना करते हुए, सबसे पहले रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स जो कि इनका फेस ऑफ ऑलरेडी अनाउंस था एंड वी वर लाइक कि क्या हो सकता है। पहली बात तो फाइट नहीं हो सकती है बिकॉज कोडी रोड्स सूट बूट में आए, सूट बूट में अगर आप आके लड़ते देख सकते हो कोडी रोड्स को देन वेल ग्रेट, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला जिस तरीके से उन्होंने जूते पहने, जिस तरीके की पैंट पहनी है। सबसे बड़ा टेस्ट तो टेलर का होने वाला है कि भाई क्या उन्होंने लड़ने लायक बनाया भी है या नहीं। कोडी रोड्स ने ये चीज सेगमेंट से पहले ही कर दिया कि यार देखो लड़ने के लिए तो मैं आया नहीं हूँ, तो इसीलिए जितने भी झमूरे हैं तुम्हें तो उनको निकाल दो अनलेस You need them। तो जब रोमन रेंस की ईगो पे बात आ गई तो रोमन रेंस ने कहा चलो भैयों निकलो बहुत हो गया, अभी रोमन और कोडी रिंग के अंदर अकेले बात करने वाले थे। ना पॉल हेमन ने ऑलरेडी जो घर कर दिया था कोडी रोड्स के दिमाग के अंदर कि किस तरीके से उनके जो डैडी हैं उनको रोमन रेंस चाहिए था अपना बेटा नॉट कोडी रोड्स, उसी पर पूरा सेगमेंट बेस्ड था बिकॉज रोमन रेंस ने कोडी रोड्स की यहाँ पर उसी से छील दी। और डस्टी रोड्स का जो इंप्रेशन किया रोमन रेंस ने उसको रेट भी कर रहे होंगे लोग, आई थिंक आई वुड गिव इट अ सॉलिड 9 out of 10। मेरे को लगता है कि हाँ इतना तो था ही था। तो एनीवेज इंप्रेशन के बारे में तो बाद में ही बात कर सकते हैं, लेकिन रोमन रेंस ने फिर कोडी रोड्स को इमोशनल कर दिया। यार कोडी रोड्स तो पहली बात एक ऐसा बंदा है जो कि अगर आप प्रोमो में आ रहे हो उसके साथ देर इज अ 99.9% चांस कि वो रोने का ट्राई करेगा, तो आपका हक बनता है कि आप उसे रोने ना दो। रोमन रेंस ने यही किया, बीच बीच में लाफ्टर भी लाते रहे ताकि कोडी रोड्स रोए ना। आई डोंट अंडरस्टैंड कि बार बार रोना क्यों आ जाता है कोडी रोड्स को। ऑल एलीट रेसलिंग की जब शुरुआत हुई थी जो उनका डस्टिन रोड्स के साथ मैच था स्टार्टिंग में तब भी रो गए थे, यार क्या हो रहा है। खैर कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस ने फिर जस्ट स्टार्टिंग में बोला था कि रोमन रेंस ने कि किस तरीके से देखो यार ये चैंपियनशिप तुमने एक भी जीती है, अबे जीती तो छोड़ो इसमें से एक के लिए भी लड़े हो, अरे लड़े भी छोड़ो इस एक भी रेसलमेनिया मेन इवेंट किया है, मतलब पूरी तरीके से कोडी रोड्स की बेइज्जती करने पे आज रोमन रेंस तुले हुए थे। एंड मैं ये कहूँगा कि बेइज्जती भी नहीं थी बिकॉज जितना भी चीज़ें उन्होंने कही वो तो फैक्ट ही थी। एंड कोडी रोड्स के जो शोल्डर पे चिप है वो उसको हटाने में लगे हुए हैं बिकॉज रोमन रेंस ने ये बता दिया कि किस तरीके से डस्टिन रोड्स के दिमाग में जब रोमन रेंस थे सामने तो कोडी रोड्स नहीं आते थे क्योंकि उनकी बात नहीं होती थी, तो वो एक तरीके से इनडायरेक्टली ये दिखाना चाह रहे थे दैट समहाउ पॉल हेमन ने जो कहा वो ट्रू था दैट डस्टिन रोड्स को रोमन रेंस ही चाहिए थे एज बेटे। उन्होंने वर्ड्स में इस तरीके से नहीं कहा बट इम्प्लीकेशन बिल्कुल वही था, वो डबल डाउन करने की कोशिश कर रहे थे जो भी पॉल हेमन ने रॉ में कहा था कोडी रोड्स के लिए, विच वॉज अ वेरी स्मार्ट मूव बाय द वे फ्रॉम रोमन रेंस साइड। एंड कोडी रोड्स के पास भी मैं कहूँगा कि उतना अच्छा काउंटर था नहीं, मतलब अगर आप प्रोमो बैटल आज की बात करोगे तो भले ही वो बड़ा ठंडा तरीके से एंड हुआ कि हाँ यार मे द बेटर मैन विन विच मीन्स कि दोनों बेस्ट है अब इनमें से बेटर कौन होगा वो जीतेगा और हैंडशेक के बाद खत्म हुआ, भले ये ठंडा होगा बट मैं फिर भी कहूंगा कि समहाउ रोमन रेंस वॉन दिस बैटल। बैटल भी कहना बेकार है, इट वॉज जस्ट कॉन्वर्जेशन जो कि काउच पे बैठ के दो तीन बंदे कर रहे होते वो वाली एक बात थी, उसमें कौन जीता मैं कहूंगा कि रोमन रेंस। कोडी रोड्स के पास आज सॉलिड पॉइंट नहीं थे, मैं चाहूंगा कि इस राइवलरी से मतलब इस मैच से पहले इस राइवलरी के अंदर कोई ऐसे पॉइंट्स कोडी रोड्स की तरफ से आ जाए जो कि लाइक अगर कोई कोडी रोड्स को सपोर्ट भी कर रहा होगा तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ यार, मैं इसी किसी लंगड़े घोड़े पे पैसा नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि खैर नहीं नहीं ये स्पॉइल हो जाएगा, नहीं अभी स्पॉइल नहीं करना है। कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का जो ये स्पेशल मैच होने वाला है इसके लिए जो प्रोमो था मैं कहूँगा कि मैंने इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्टेशंस रखी थी जो कि मेरे को लगता है कि रोमन रेंस की तरफ से फुलफिल हुई, कोडी रोड्स की तरफ से ऐसा उतनी नहीं हुई, तो इसीलिए इस सेगमेंट को अगर मेरे को रेट करना होगा आई थिंक मैं 4 out of 5 का देना चाहूँगा। स्टिल जो पॉल हेमन एंड कोडी रोड्स वाला सेगमेंट था दैट वॉज द परफेक्ट स्टार्ट और उसके बाद बहुत अच्छा फॉलो अप ले सकते थे यहाँ पर, बट कहीं ना कहीं कुछ तो मिस हुआ है।
है। उसके अलावा डोमिनिक मिस्टीरियो वाला तो सेगमेंट्स जो थे वो तो अच्छे ही थे। मतलब यार डोमिनिक जहाँ पर भी अब इन्वॉल्व हो रहा है ना, मज़ा ही आ रहा है। स्पेशली वो जब से प्रिजन गया तब से, वो प्रिजन जाना उनके लिए गोल्डन थिंग बन गई थी। उसके अलावा जो एक ड्रू मैकइंटायर वाला सेगमेंट देखने को मिला था, ड्रू मैकइंटायर गुंथर को कॉल आउट कर रहा था, भैया आई थिंक आपको बैटल रॉयल जीतना पड़ेगा तब आप कॉल आउट कर सकते हो, आप ऐसे कैसे कॉल आउट कर रहे हो। जिसके चलते गुंथर तो आए नहीं, बाकी सारे आ गए, शेमस, न्यू डे, एले नाइट, बेसिकली वो सारे जो कि चैंपियनशिप के नंबर वन कंटेंडरशिप के बैटल रॉयल में लड़ने वाले, तो वो सारे आ गए। तो अब बैटल रॉयल है तो फिर बैटल रॉयल की तरह निकालना भी तो बनता है। तो अल्टीमेटली मेरे को ये लग रहा है कि ड्रू मैकइंटायर वर्सेस शेमस वर्सेस गुंथर ना हुआ तो ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस होगी। बट मुश्किल भी है क्योंकि बैटल रॉयल में जीतेगा तो एक ही। हाँ, अगर ये ड्रू मैकइंटायर और शेमस में किसी तरीके से ड्रॉ करवा दे, जिस तरीके से यू नो शॉन माइकल्स वाला रंबल वाला टाइम में हुआ था, ड्रॉ ही हुआ था ना, वो दोनों का फीट सेम टाइम पे लैंड हुआ था। बट जो भी है, आई जस्ट वॉन्ट कि दोनों जो हैं दोनों के दोनों पहुंच जाए गुंथर के साथ लड़ने के लिए रेसलमेनिया में। एक को मैं नाराज नहीं देख सकता इन दोनों में से, और उसके अलावा मेरी कोई पिक है भी नहीं पूरे बैटल रॉयल में से। अच्छा, बॉबी लैशली भी हमें दिखाई दिए थे, आई थिंक इट वॉज अ सरप्राइज, नोबडी वॉज एक्सपेक्टिंग बॉबी लैशली। बट ब्रे वायट ने जिस तरीके से नचा दिया था, बॉबी लैशली भी कह रहा हुआ यार आज तक टिकटॉक नहीं चलाया, ब्रे वायट आके मेरा टिकटॉक का वीडियो बना के चला गया, मैं कुछ कहूं भी ना। पर पीछे से आके अंकल हाउडी ने अटैक किया। बॉबी लैशली वर्सेस अंकल हाउडी एंड ब्रे वायट सीम्स लाइक अ फेयर मैच टू मी, बिकॉज ब्रे वायट जिस तरीके से लड़ रहे हैं आजकल, उनको एटलीस्ट एक और बंदा चाहिए होगा साथ में, स्पेशली बॉबी लैशली के अगेंस्ट यू डेफिनेटली नीड वन। नाउ आई एम सेइंग समहाउ अगर बॉबी लैशली के साथ ब्रॉक लेसनर आ जाते और फिर 2-on-2 हो जाए, ये तो बहुत ही अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशंस हो रही है। ये तो वही वाली बात है कि फिर अब आप RCB के लिए रूट कर रहे हो IPL ट्रॉफी जीतने के लिए। मैं जिंदा घर जाना चाहता हूँ यार, तो ये ऐसे जोक्स क्यों मार रहा हूँ, आई एम सॉरी बाबू। बट वही बात है यार कि यार अब इसमें बॉबी लैशली के साथ हर्ट बिजनेस का कोई आएगा या फिर कोई और आएगा, क्या इसको 2-on-2 ही रखना है या फिर 1-on-1 ही रखना है। आई थिंक अंकल हाउडी को ये लोग अभी सेव रखना चाहेंगे। मे बी अंकल हाउडी का हमें जो पहला मैच होगा वो शायद से ब्रे वाइट के अगेंस्ट ही देखने को मिल सकता है, दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग। बट वट एवर हैपन्स विल हैपन, तो उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं। और ब्रे वाइट के केस में मैं कुछ भी प्रेडिक्ट करने से डरता हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगा कुछ, मतलब पूरी दुनिया कुछ और बोलेगी लेकिन होगा कुछ और ही, और ये तो रेयर केसेस में होता है। एनीवेज, उसके अलावा सैमी ज़ेन का मेन इवेंट था अगेंस्ट सोलो सेकोवा, और दिस वाज अ गुड मैच टू बी ऑनेस्ट। दोनों जो है कितने अच्छे दोस्त रहे हैं ब्लड लाइन के अंदर, अब इनके बीच मैच है। सोलो सेकोवा ने मैच तो जीता बट उसके बाद जिमी ऊसो ने जो फोड़ा है, बट अल्टीमेटली सैमी ज़ेन ने ही काउंटर कर दिया, क्योंकि सैमी ज़ेन को रिएक्शन अभी भी अच्छा मिल रहा है। आई एम सरप्राइज टू सी दैट, मेरे को लगा सैमी ज़ेन की जो हाइप है वो शायद कम ना हो जाए। मतलब मेरे लिए तो सैमी ज़ेन के अंदर वही प्यार है जो पहले था, मेरे को मॉन्ट्रियल हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी जाओ, बट यू आर दैट सैमी ज़ेन जिसको मैंने पसंद किया था। तो उसके अलावा सैमी ज़ेन एंड यू नो जिमी उसे इतना क्यों डर रहे थे, इतना क्यों अटैक कर रहे थे, बिकॉज रोमन रेंस ने उनको ऐसे बोल दिया कि देखो जे उसे अगर नहीं आते हैं अगले हफ्ते तो अब मैं जिमी उसो की खबर लूंगा, क्योंकि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने तुम्हें दी। इट्स लाइक ऑफिस में किस तरीके से होता है ना, जो बॉस होता है वो डायरेक्ट जो सबसे नीचे एम्प्लॉय होता है उससे बात नहीं करता, वो उसके जस्ट नीचे जो होता है उसको बोलता है और उसी को कंप्लेन करता है कि काम क्यों नहीं हुआ, जबकि सबसे नीचे वाले की गलती होगी। तो बिल्कुल केस अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिमी उसो को पड़ सकती है ललकार अगर अगले हफ्ते जे उसो नहीं आते। मेरे को लगता है कि आएंगे, मेरे को लगता है कि जिमी एंड जे वर्सेस केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन लिख चुका है दीवारों पे और वो होके रहेगा। खैर, वेरी गुड स्टोरी टेलिंग राइट नाउ बिटवीन सैमी ज़ेन, जे उसो, और मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि ये मेन इवेंट में था। रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स वाज नॉट ऑन द मेन इवेंट, जो कि होना चाहिए था। आई थिंक रोमन रेंस ने स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, ही वाज लाइक कि यार ये मेन इवेंट में रखने के लायक नहीं है, काम करो सैमी ज़ेन वाले को डालो मेन इवेंट में। तो आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग कि रोमन एंड कोडी के जब भी सेगमेंट हो ये कुछ ऐसे हो, लगना चाहिए कि ये मेन इवेंट में जा रहा है, ऐसे किसी लल्लू पल्लू शो में नहीं जा रहा है। एनीवेज, अगर मेरे को आज की स्मैकडाउन को रेट करना होगा, आई थिंक हाईएस्ट रेटेड सेगमेंट तो दोनों ही रहेंगे, लास्ट वाला मेन इवेंट भी 4-star था और फर्स्ट वाला भी 4-star ही था। तो ओवरऑल जब मैं रेटिंग देना चाहूंगा, आई थिंक वो 3.5-star की रेटिंग देना चाहूंगा। कमेंट्स में लिखकर बताना अपनी स्टार रेटिंग फॉर दिस स्मैकडाउन, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।